हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं केपी शर्मा ओली। जहां नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पडोले प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। बता दें कि मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे थे। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर मिली शिकस्त के बाद आज प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि इसके बाद भाजपा के दिग्गजों को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हार के कारणों का हिसाब देना होगा। यूपी में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर लगातार शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। जहां आज अलीगढ़ में घंटाघर पार्क में एकत्रित होकर तमाम शिक्षक धरना देंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते सेब की फसल प्रभावित हुई है, जिसके चलते इस बार सेब की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान एसीबी आज पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है, जहां जयपुर के बिरला सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। हरियाणा के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां करनाल से हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के इस अभियान की शुरुआत होगी। झारखंड में चौकीदार की नियुक्ति को लेकर मचा बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर चौकीदार आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति अब सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में यूपी पुलिस ने आईएएस अनिल टुटेजा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। उन्हें आज मेरठ कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि यूपी पुलिस ने अनिल टुटेजा के प्रोडक्शन वारंट का आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सपा नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी की हार पर कसा तंज, कहा उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा के धर्म के ढोल को फोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार से मगही भाषा पर ध्यान देने की मांग कर दी है, जहां मांझी ने कहा कि मगही का विकास होना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से कहता हूं कि वे अधिक से अधिक मगही बोलें और केंद्र सरकार इसे 8वीं सूची में शामिल करे। दिल्ली के जीटीवी अस्पताल में दिनदहाड़े एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में घुसकर मरीज को मारने की इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि एक दशक पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है, फिर भी हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस नदारद दिखती है। पुलिस को जो कोई भी हरी पत्ती दिखा दे उसके पीछे चल देता है। श्री हरमिंदर साहिब में फोटो और वीडियोग्राफी को लेकर बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि अगर कोई सेवक श्रद्धालुओं से कुछ कहता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सेवकों की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही उससे झगड़ना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हरियाणा में 1,00,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके चलते हरियाणा सरकार की तरफ से 1,10,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कर दी गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से वाराणसी पहुंचे और शनिवार सुबह उन्होंने पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ में दर्शन कर पूजा अर्चना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में मां के नाम पर एक पेड़ लगाया, जहां शाह ने रेवती रेंज में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा अब इंदौर देश में ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। पौधा रोपना आसान है, उन्हें बड़ा करना बहुत मुश्किल है। जो पौधे रोपे गए हैं उन्हें अपने
बच्चे की तरह बड़ा करना होगा। यही पौधे बड़े होने के बाद माँ की तरह आपका ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के कारणों पर मंथन करेगी। जहां हार के क्या कारण रहे, यहां एक भी सीट पर जीत क्यों नहीं मिली, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री शामिल होंगे। भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को किया ढेर, अभी भी चला रही है सर्च ऑपरेशन। गुजरात में अवैध कोयला खादान में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये लोग बिना सुरक्षा उपकरणों के खादान से कोयला निकालने का काम कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नया मामला सामने आया है जिसमें पूजा खेड़कर ने साल 2007 में पुणे के काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन लिया था, जहां उन्होंने OBC नॉमिडिक ट्राइब 3 यानी घुमंतु जनजाति 3 कोटे से सीट हासिल की, लेकिन एडमिशन लेते समय कोई दिव्यांगता सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। जयपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों का दखल रहा। यह सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें भी शामिल है, जो नहीं चाहती कि किसी भी तरह भाजपा की सरकार बनी रहे। सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना बंधुआ कला में आम जनमानस की समस्याओं को सुना गया तथा समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। महुआ की पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर जन सुनवाई की गई। इस दौरान फरियादियों से उनकी शिकायतें सुनी गई और उसके समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।